कोटा जिले में कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी क्रम में शहर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र के राजीव गांधी इलाके में मंगलवार को एक धौलपुर निवासी कोचिंग छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के अनुसार मृतक छात्र भरत राजपूत धौलपुर राजस्थान का रहने वाला था, जो कि मेडिकल की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतारकर उसे MBS अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस वर्ष कोटा शहर में छात्रों द्वारा आत्महत्या करने का यह 10वां मामला है। छात्र के परिजनों को सूचना दिया गया है, उनके आने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं मृतक छात्र भरत के पास पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसमें लिखा है कि सॉरी पापा, नहीं हो पाएगा। वहीं रूम पार्टनर रोहित ने बताया कि वह सैलून गया था, पीछे से उसने सुसाइड कर लिया। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। मैं जॉन नगर थाने से रामनारायण सब इंस्पेक्टर। आज 11:30 की हमसन में सूचना मिली कि एक अज्ञात लड़का मकान नंबर 63 में पंखे से लटक के फंस गया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। कार्रवाई तो आगे घुमाओ, इस पर मैं रवाना होकर वहाँ पहुँचा था। यहाँ जाकर देखा तो इसमें पंखे से उसका फंदा लगा के कपड़े का बेडशीट टाइप थी, उसका फंदा लगा के उसने लगा ली। उसका नाम पता मालूम किया तो इसका नाम भरत राज सिंह भगवान दास जाति राजपूत का है, 20 साल का और रहने वाला है दूर का। इसका मां इसका बाणी जो है दोनों एक ही कमरे में रहते थे, और बाणी 10:30 करीब उसने कहा कि मैं लेट कटिंग करवाया था, वो कटिंग करवाने चला गया और उसने पीछे से पैसे का फंदा कर।